हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे बायोप्सी के बारे में। जनरली समझेंगे कि बायोप्सी क्या होता है, कितने टाइप का होता है, किन कंडीशन में कराया जाता है। काफ़ी समय से आप लोग पूछ रहे थे, तो एक ब्रीफ नॉलेज आपको हो जाएगा कि बायोप्सी क्या होता है, कितने टाइप का होता है। डीप में हम इसका प्रोसीजर नहीं समझेंगे, कैसे कट करते हैं, कैसे प्रिजर्व करते हैं, ये नहीं हम इसमें समझेंगे। जनरल समझेंगे क्या होता है, कितने टाइप का होता है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको आइडिया हो जाएगा कि बायोप्सी क्या होती है, कब कराई जाती है। चलिए समझते हैं। अगर चैनल में नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा। मैं हूं डॉक्टर हरिशंकर सोनी और आप देख रहे हैं इजी डेंटिस्ट्री। आइए समझते हैं बायोप्सी। बायोप्सी क्या होता है? रिमूवल ऑफ टिश्यू फ्रॉम अ लिविंग सब्जेक्ट फॉर हिस्टोलॉजिकल एवोल्यूशन एंड एनालिसिस। एक टिश्यू लिया जाता है, रिमूवल ऑफ टिश्यू, सर्जिकल रिमूवल किया जाता है। कोई लीजन है, कोई घाव है, वहाँ की हमें स्टडी करनी है, हिस्टोलॉजिकल स्टडी करनी है, उसको चेक करना है, एनालिसिस करना है कि इसमें क्या है, क्या इसमें हो रहा है, कब करते हैं, अभी हम देखेंगे। तो उसको हम बोलते हैं बायोप्सी। ऐसा टिश्यू लेना, कोई लीजन से टिश्यू लेना स्टडी के लिए, हिस्टोलॉजिकल स्टडी के लिए, उसको देखने के लिए, उसे हम बोलते हैं बायोप्सी। जी आप ध्यान रखेंगे, देखिए नीड या फिर हम इंडिकेशन बोल सकते हैं, कब ज़रूरत पड़ती है, फिर हम टाइप्स देखते हैं। इजी रखेंगे वीडियो को, ज़्यादा टफ नहीं करेंगे। देखिए लीजन परसिस्ट मोर देन 2 वीक्स, ऐसा कोई लीजन है, ऐसा कोई घाव है जो 2 हफ्ते हो गए हैं पर बना हुआ है, ठीक नहीं हो रहा है। जैसे आप नेक्स्ट पॉइंट समझेंगे, लगभग ऐसा ही है जैसे इन्फ्लामेटरी लीजन डज नॉट रिस्पॉन्ड टू ट्रीटमेंट। लगभग 2 वीक, मतलब ऐसा कोई इन्फ्लामेटरी लीजन है, इन्फ्लामेशन हो रहा है, घाव बना हुआ है और उसका ट्रीटमेंट भी हो रहा है, लेकिन ट्रीटमेंट से, जनरल जो ट्रीटमेंट है, उस पर कोई रिस्पॉन्ड नहीं हो रहा है, कोई रिकवरी नहीं हो रही है और लगभग 2 हफ्ते हो चुके हैं, घाव ऐसा बना हुआ है, लीजन ऐसा बना हुआ है, तब ज़रूरत पड़ सकती है। कोई ट्यूमर लाइक ग्रोथ है, ट्यूमर बना हुआ है जो सस्पेक्टेड है, न्यूप्लास्टिक हो सकता है, कैंसरस ग्रोथ हो सकती है, ऐसा सस्पेक्ट है, अगर ऐसा लग रहा है तब हम करा सकते हैं। और या फिर ऐसा एक यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है जो एक्सरे से क्लियर नहीं हो रहा है, या फिर जो दूसरी प्रोसीजर हम कर रहे हैं उससे क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो उस कंडीशन में भी बायोप्सी कराई जा सकती है। और क्या, इन्फ्लामेटरी चेंजेस ऑफ अननोन कॉज, मतलब ऐसा कोई इन्फ्लामेटरी चेंजेस हो रहे हैं जिसके कॉज पता नहीं है, किस कारण से हो रहा है नहीं समझ में आ पा रहा है, डायग्नोसिस नहीं हो पा रहा है, तब टू रिमूव कैंसर फोबिया। कई लोगों में होता है कि कैंसर का डर होता है, नहीं है फिर भी ऐसा लगता है कि कैंसर तो नहीं है, या फिर ऐसा कोई लीजन है जिसमें डर है कि कहीं ये कैंसर ना हो, कैंसरस ग्रोथ ना हो, उसके लिए भी बायोप्सी से चेक कराया जा सकता है, ताकि जो रिपोर्ट आएगी उससे क्लियर हो जाएगा कि ये कैंसरस है या नहीं है। अगर है तो ट्रीटमेंट होगा, नहीं है तो जो कैंसर फोबिया है वो दूर हो जाएगा पेशेंट का। इसके बाद मेडिको लीगल रिकॉर्ड्स के लिए भी बायोप्सी कराई जा सकती है। और भी ऐसे बहुत सारे कारण हो सकते हैं बायोप्सी कराने के। ऐसी कोई भी लीजन जहाँ पर कन्फ्यूज़न है, ठीक नहीं हो रहा है, क्लियर नहीं हो पा रहा है दूसरे जो डायग्नोसिस से, दूसरे जो रिपोर्ट्स हैं उससे, तो हम बायोप्सी के लिए जाते हैं। ये आपको क्लियर होना चाहिए। अब देखिए टाइप्स क्या है, डेंटल के एस्पेक्ट से हम समझ रहे हैं, बहुत सारे और भी टाइप्स हो सकते हैं। जनरली हमें समझना है क्या होता है, एक जो बेस है वो हमें समझ में आ जाए कि बायोप्सी होती क्या है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने साइटोलॉजी, तो इसमें क्या किया जाता है, ये आपको समझ में आ गया कि बायोप्सी कहाँ कब कराई जाती है, कोई लीजन है, घाव है, वहाँ से। साइटोलॉजी में जनरली ये होता है कि जो लीजन है उसको स्क्रैप किया जाता है, जो टंग स्क्रैपर बोल सकते हैं, या स्क्रैपिंग जो डिवाइस है जिससे रिट्रैक्ट किया जाता है, उससे स्क्रैप किया जाएगा, या फिर जो ब्रश भी आते हैं, ब्रशेस जो आते हैं साइटोलॉजी के, उससे स्क्रैप किया जाएगा जो घाव है, इसके लिए बड़ा घाव अगर है उसमें कर सकते हैं, लीजन जो है वहाँ से स्क्रैप करेंगे, उसका एक लेयर बनाते हैं, स्लाइड बनाते हैं, और फिर उसकी स्टडी की जाती है, अलग प्रोसीजर है। तो ये हमको समझना है, ये साइटोलॉजी, ऐसा हम समझ सकते हैं। इसके बाद एक्सीजनल बायोप्सी, एक्सीजनल और इनसीजनल दो वर्ड है, एक्सीजनल बायोप्सी, इनसीजनल बायोप्सी, समझते हैं। एक्सीजनल मतलब पूरा निकाल देना, ऐसा आप समझिए। कोई लीजन है और ये कहाँ हो सकता है, कोई छोटा सा लीजन है
इसका ट्रीटमेंट हुआ, इसको पूरा ही निकाल दिया गया, इसको पूरा निकाल देंगे तो उसका ट्रीटमेंट तो हो गया, लेकिन इसको लैब में भेजते हैं, पूरे का पूरा जितना भी ग्रोथ थी ये वहाँ पर पॉसिबल है जहाँ छोटा लीजन है, छोटी ग्रोथ है, तो उसको निकाल कर, जब ये निकाल दिया सर्जिकली तो उसको भेज दिया गया लैब और चेक कराएंगे। इसको हम बोलते हैं एक्सीजनल बायोप्सी, ऐसी बायोप्सी जहाँ पर पूरे लीजन को, छोटा लीजन है, पूरा लीजन ही निकाल दिया गया। अब इंसीजनल से आपको क्लियर हो जाएगा कैसे इंसीजनल बायोप्सी क्या होगी। इंसीजनल बायोप्सी वो होगी, कोई बड़ा घाव है समझिए, उसका एक छोटा पार्ट लेंगे, इंसीजन करेंगे और उसको हम भेज देते हैं लैब में, और उससे हम जो बायोप्सी होती है उसकी रिपोर्ट बनवाई जाती है, मतलब उसका चेकअप कराया जाता है, बायोप्सी कराई जाती है। तो इंसीजनल बायोप्सी समझ गए आप, बड़े लीजन से छोटा टुकड़ा लेना इंसीजनल बायोप्सी, पूरा का पूरा लीजन को लेकर लैब भेज देंगे हम, वो है एक्सीजनल बायोप्सी। इंसीजनल बायोप्सी वहाँ होगी जहाँ छोटा लीजन होगा, एक्सीजनल बायोप्सी, इंसीजनल बायोप्सी बड़े लीजन से छोटा टुकड़ा, छोटा पार्ट हम निकाल कर भेजेंगे। और फिर अलग अलग प्रोसीजर्स हैं जैसे कैसे लेना है, तो इसमें जब हम लेते हैं तो ऐसी जगह से लेते हैं जो कि ज़्यादा अफेक्टेड हो और साथ में थोड़ा नॉर्मल टिश्यू भी वहाँ पे जाना चाहिए, अलग टॉपिक है, डीप हो जाएगा। इसके बाद एक होती है पंच बायोप्सी, ये भी एक टूल होता है, ऐसी जगह जहाँ पर हम इंसीजन नहीं दे सकते, स्केलपल से निकाल नहीं सकते, वहाँ पर पंच बायोप्सी कर सकते हैं, एक टूल होता है, उससे जो भी लीजन है वहाँ पर पंच किया जाएगा, पंच करते हैं उतने जगह का जो टिश्यू है उसको निकाल के कट कर लेते हैं, तो एक टाइप ये भी है पंच बायोप्सी। इसके बाद है एस्पिरेशन बायोप्सी या FNAC भी एक होता है, फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी बोलते हैं, समझेंगे आगे। तो एस्पिरेशन बायोप्सी से ये समझते हैं, इसमें हम कैसे टिश्यू लेते हैं, अगर कोई लीजन है उसमें कोई फ्लूड है तो इसके लिए हमें जरूरत होती है सिरिंज की, नीडल की, नीडल के थ्रू नीडल लिया जाता है और जो लीजन में हम उसको इंसर्ट करेंगे और वहाँ से जो उसमें लीजन में जो भी डिस्चार्ज है, पस है, उसको लिया जाता है। अगर हमने लिया नीडल से, उसको हमने लिया और उसमें स्ट्रॉ कलर का लिक्विड है या फिर ऐसा कोई इन्फेक्शियस लिक्विड नहीं समझ में आ रहा है तो उसको ऐसा माना जाता है कि वो सिस्ट है। अगर उसमें पस डिस्चार्ज है, पस आ रहा है, ऐसा इन्फ्लामेटरी फ्लूड जैसा उसमें है तो उसको फिर लैब में भेजा जाता है और ऐसा माना जाता है कि ये इन्फ्लामेटरी हो सकता है या इसमें कुछ कैंसरस ग्रोथ हो सकती है या लीजन हो सकता है, तो वो होता है एस्पिरेशन बायोप्सी। ये आपको समझना है कि नीडल से, सिरिंज से लिया जाता है, फ्लूड लिया जाता है इसमें। तो ये था बायोप्सी ब्रीफ, हमने थोड़ा सा समझा कि क्या होता है, होपफुली आपको क्लियर हुआ होगा। काफ़ी बड़ा टॉपिक है, एक एक एक्सप्लेन करेंगे तो काफ़ी बड़ा टॉपिक है और अच्छा भी टॉपिक है, कभी हम समझेंगे, होपफुली आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, आपको बायोप्सी समझ में आया होगा। अगर कुछ कन्फ्यूज़न है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो आप लाइक जरूर करें। चलिए जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।